नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रेडियंट ऑपरेटर अब बेसिकली ग्रेडियंट ऑपरेटर अपन यूज़ क्यों करते हैं कि पर्टिकुलर अपने को क्या करना है कि इमेज में क्या करना है अपने को एजेस फाइंड आउट करनी है अब ग्रेडियंट ऑपरेटर आपका क्या करता है बेसिकली आपको एक टेक्निक आपको प्रोवाइड करता है आपको जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो एजेज डिटेक्ट कर सकते हो तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वो वॉट इज द ग्रेडियंट ऑपरेटर आपका क्या होता है बेसिकली जैसे अपन ग्रेडियंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो वॉट इज द ग्रेडियंट ऑपरेटर तो ग्रेडियंट ऑपरेटर इज द फर्स्ट ऑपरेटर यूज फॉर एज डिटेक्शन इट इज द इंपोर्टेंट विच ऑपरेटर इज द फर्स्ट ऑपरेटर दैट यूज फॉर एज डिटेक्शन दैट वन इज द ग्रेडियंट ऑपरेटर द ग्रेडियंट ऑफ एन इमेज इज ए वैक्टर इंक्लूडिंग ऑफ द first order derivatives including the magnitude and direction of a image gradient based operator which computes first order derivations in a digital image like sobel operator prewitt operator and robert operator these are the different types of gradient operator or oh, now we are using each and every one sobel operator एंड रोबर्ट ऑपरेटर एंड फाइंड आउट द एजेस ऑफ ए पर्टिकुलर इमेज नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑपरेटर द फास्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इमेज कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द ग्रेडियंट ऑपरेटर मैग्निट्यूड क्या होता है बेसिकली वॉट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स एजेस स्ट्रेंथ आपके पास में जो एजेस की स्ट्रेंथ होगी दैट इज कोल्ड मैग्नीट्यूड व्हाट इज द डायरेक्शन इंडिकेट्स एज डायरेक्शन आपकी पर्टिकुलर जो एज होगी कहाँ से आपकी क्या हुई स्टार्ट हुई आपकी एज आपकी एज क्या है आपकी होरिजेंटल है वर्टिकल है डाइगेनल है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एज आपकी तो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स इन ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेशन दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड इज यूज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर एज एंड डायरेक्शन इज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एज द वी आर रिप्रजेंट द ग्रेडियंट ऑपरेटर एज ए डेल एफ और ग्रेडियंट एफ इजिकल टू डो एफ डिवाइड बाई डो एक्स दिस इज द एक्स डायरेक्शन ये किसके लिए आपके पास में एक्स के लिए है और यह किसके लिए डो एफ डिवाइड बाई डो वाई ये किसके लिए आपके दट इज वाई डायरेक्शन के लिए आपका द ग्रेडियंट इज ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूट एंड द डायरेक्शन इज मैग्नीटूड ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन एफ इज इकल टू रूट ऑफ डो एफ स्क्वायर डिवाइड बाई डो एक्स प्लस डो एफ square divided by do y or we also mention it is is the magni it is the magnitude of do f divided by do x plus do f is equal to divide this is the approximation equation these equations are important if this question of gradient function इन योर एग्जाम तो आपको क्या करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशंस आपको ये आपको लर्न करनी है ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए ये आपको क्या करनी है आपको वहाँ पे मेंशन करनी है आपको अब डायरेक्शन क्या होगी पर्टिकुलर ग्रेडियंट की दादा टेन इनवर्स वन डो एफ डिवाइड बाई डो वाई एंड डिवाइड डो एफ अपॉन डो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रेडियंट फंक्शन अगर मेरे पास में ये पर्टिकुलर कोई भी इमेज है यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे पास में क्या हुआ है अगर यहाँ पे मेरे पास में फिक्सल्स वैल्यूज चेंज हुई हैं इसमें पर्टिकुलर फ़िक्सल्स में तो यहाँ पे मुझे क्या करना है मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलर जो मेरे पास में फिक्सल्स के जो चेंजेस हुए हैं तो उसमें मुझे ये पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना है तो ये डायरेक्शन किससे होगी मेरे पास में ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा आपके पास में टेन इनवर्स होगा डो एफ डिवाइड बाई डो वाई डिवाइड बाई डो एफ अपॉन डो एक्स दिस इज़ द ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेशन फंक्शन फॉर ए डायरेक्शन The gradient representation we've also mentioned with some functions f of x is equal to f of xy multiplied by mxxy, fy is equal to fxy multiplied by myxy, magnitude of xy is equal to fx plus fy, direction of xy, y ten inverse, एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स इफ मैग्नीट्यूड एक्स वाई ग्रेटर देन टी देन पॉसिबल एज एस पॉइंट वॉट इज द टी है टी इज द थ्रेसेल्ड वैल्यू द जनरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन या हाउ यू जनरेट ए अप्रोक्सीमेशन ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन फॉर ए पर्टिकुलर इमेजेस तो द कंसिडर द एग्रीमेंट ऑफ फिक्सल्स अबाउट फिक्सल्स आई एंड जे ए थ्री बाई थ्री नेबरहुड भी ऑलरेडी डिस्कस वाट इज़ द नेबरहुड फिक्सल्स आपके कैसे आपका वर्क करता है आपके नेबरहुड फिक्सल्स आपके पास में एक इमेज है ए ज़ीरो टू आपकी कहाँ पर आपकी ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ये आपकी पर्टिकुलर आपकी इमेज है और ये क्या हो गया आपके पास में यहां पे आपका पर्टिकुलर अगर मेरे पास में ये ए सेवन है तो यहां पे मेरे पास में ये क्या हो गया ये जो फिक्सल होगा आपके पास में हमेशा सेंटर फिक्सल पे आपका वर्क होता है आपके नेबरहुड में तो यहां पे आपका ये क्या हो गया दिस इज गोल्ड पी ओ आई फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट पार्शियल डेरिवेटिव डो एफ डो एक्स एंड डो एफ डो आई कैन बी कंप्यूटेड बाई एम एक्स के थ्रू अपन कैसे कंप्यूट करेंगे ए टू प्लस अब पर्टिकुलर आपके पास में क्या है कि ये वाली मेरी अगर पर्टिकुलर आपके क्या हो गई अगर ये वाली पर्टिकुलर क्या है आपके पास में एक सेंटर फिक्सल है जो कि फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है आपका इस फिक्सल्स के आपको क्या फाइंड आउट करना है आपके पास में एक एज आपको फाइंड आउट करनी है इसकी एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो किसके थ्रू करने, करने है वी आर यूज बाई ग्रेडियंट फंक्शंस के थ्रू या ऑपरेटर के थ्रू करना है तो एम क्या होगा यहाँ पे अब एम क्या होगा यहाँ पे एम की बात आती है तो एम एक्स से फाइंड आउट होगा आपके पास में एम होगा आपके पास में पर्टिकुलर इसके पास में जो इसके नेबरहुड्स हैं उनके थ्रू अपन क्या फाइंड आउट करेंगे अपन mx फाइंड आउट करेंगे तो mx क्या होगा आपके पास में a2 ca3 a4 इसमें से माइनस क्या होगा आपके पास में ये आपकी पर्टिकुलर ये वाली क्या हो जाएगी आपका कॉलम इसमें से आपका माइनस हो जाएगा जैसे y की बात करेंगे तो y में क्या होगा आपके पास में जो पर्टिकुलर आपकी ये वैल्यूज होंगी आपकी उसमें से आपका क्या माइनस हो जाएगा पर्टिकुलर इस रो की वैल्यूज आपकी माइनस हो जाएंगी आपके द कांस्टेंट c इंडिकेट्स द एड एडिंग गिवन टू फिक्सल क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द मास्क अपन किसका यूज कर रहे हैं इसमें मास्क का यूज करते हैं साथ में अब वो मास्क क्या था अपन एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज कर रहे थे अपन मास्क का यूज कर रहे थे और मास्क को अपन क्या बोलते हैं वी ऑल्सो कोउट कर्नेल विंडोज वेट मास्क दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ ए मास्क अब नाउ द फर्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट वन द टाइप ऑफ द ग्रेडियंट ऑपरेटर टेक्निक द रोबर्ट ऑपरेटर द रोबर्ट क्रॉस ऑपरेटर परफॉर्म ए सिंपल क्विक टू कंप्यूट टू डी स्पेशियल ग्रेडियंट मेजरमेंट्स ऑन ए इमेज फिक्सल वैल्यूज एट ईच पॉइंट इन द आउटपुट रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड एप्सुल्यूट मैग्नीट्यूट ऑफ द स्पेशियल ग्रेडियंट ऑफ द इमेज Input image at that point, the operator consists of a pair of 2 by 2 convolution kernels as shown in the finger. One kernel is simply. द अदर रोटेटेड बाई 90 डिग्री दिस इज द वेरी सिमिलर टू द सोबेल ऑपरेटर द फर्स्ट वन इज द रोबर्ट ऑपरेटर अब रोबर्ट ऑपरेटर की वैल्यूज अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिकली अपने को सबसे पहले क्या करना है कि अपने पास में जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं अपने पास में अपने पास में सबसे पहले आता है आपका रोबर्ट ऑपरेटर आपको कैसा मास्क आपको प्रोवाइड करता है आपको एक टू बाई टू का आपको मास्क प्रोवाइड करता है आपको अब जो है टू बाई टू का आपका मास्क है आपका पर्टिकुलर जो मास्क आपका 2 बाई 2 का अब ये वर्क कैसे करेगा आपके पास में अगर मेरे पास में पर्टिकुलर क्या है मेरे पास में यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या है ये मेरे पास में पर्टिकुलर एक टेबल है यहां पे मेरे पास में जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव एंड जेड सिक्स जेड सेवन जेड एट एंड जेड नाइन ये पर्टिकुलर मेरे पास में एक इमेज है थ्री बाई थ्री की आपकी क्या है ये मैट्रिक्स जनरेट की है मेरे पर्टिकुलर इमेज के साथ में अब यहाँ पे आपके रोबर्ट मास्क क्या बोलता है आपके पास में कि रोबर्ट मास्क में आपके पास में जो भी आपके पास में जो मास्क होगा जो मास्क आपका जनरेट होता है बेसिकली रोबर्ट मास्क में उसकी साइज क्या होगी आपके पास में टू बाई आपकी साइज होगी आपकी रोबर्ट मास्क की अब इसमें से अपने को क्या करना है अपने को टू बाई टू का मास्क जनरेट करना है तो ये आपका जेड फाइव क्या है आपके पास में दिस इज द कोल्ड पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट पी वाई पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट आपके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो किसके नियर बाय होते हैं आपके पास में किसके नेबर्स पे होंगे आपके पास में जेड फाइव के नेबर्स पे होंगे अगर यहाँ से आप मुझे दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी मेरे पास में एक मेरे पास में क्या होगा ग्रेडियंट ऑफ एक्स का फाइंड आउट करना है मुझे जी एक्स फाइंड करना है और क्या फाइंड आउट करना है मुझे जी वाई फाइंड आउट करना है किसमें में रोबर्ट ऑपरेटर में अब यहाँ पे जीएक्स क्या होगा आपके पास में आपके पास में केवल वैल्यूज कितनी होंगी आपके पास जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी आपके पास में टू बाई टू मैट्रिक्स

अगर इसके नेबर्स की बात करता हूं तो नेबर्स कौन से हो सकते हैं इसके जेड एट आपका नेबर हो सकता है आपका और एक कौन सा हो सकता है आपके पास में आपका जेड सिक्स क्या है इसका नेबर्स है अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में बात करनी है तो वट इज द दा एक्स डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास में आपका क्या हो जाएगा आपके पास में डो एफ डिवाइड बाई डो x इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपकी वैल्यूज क्या होंगी आपके पास में पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होंगी आपकी जेड नाइन होगी यहाँ से आपकी जेड नाइन में से माइनस क्या होगा आपके पास में जेड फाइव होगा और यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी वैल्यूज यहाँ से आपकी y में क्या हो जाएगी आपकी z जेड एट में से क्या माइनस होगा आपका जेड आपका माइनस होगा और आपकी जो 2 2 का एक मास्क जनरेट होगा वो कैसा होगा आपके पास में GX के लिए क्या होगा आपके पास में 1, 0, 0, -1. अब इसको क्या करना है डायरेक्टली डिग्री पे रोटेट करना है और तो तो आपका दूसरा जी वाई के लिए मास्क क्या हो जाएगा बस दिस ऑपरेटर ऑपरेशन कर्नल्स आर टू perpendicular orientations the kernels can be applied separately to the input image to produce separate measurements of the gradient components each orientation call the gx and gy we already know how we calculate G gx and gy these can then be combined together to find the absolute magnitude of the gradient at each point and the orientation of the gradient function the gradient magnitude is given by g mode of g is equal to root of gx square plus gy square this is the equation of gradient magnitude in the robert operator function the approximate magnitude is computed using

अब इसकी वैल्यूज आप कैसे, कर सकते, कैसे कर सकते हो इसको कैसे आप रिटर्न कर सकते हो इसको कैसे आप मेंशन कर सकते हो तो कैसे गिवन कर सकते हो आप पर्टिकुलर वैल्यूज़ <laughs> को तो वो वैल्यूज़ आपकी क्या हो सकती है अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ अगर यहाँ पे अगर मैं ठीठा की बात करता हूँ तो क्या होगा आपके पास में एंगल क्या होगा आपके पास में आपका ठिठा क्या होगा आपके पास में ठिठा क्या होगा आपके पास में आपका आर्क होगा क्या आपका आर्क ऑफ टेन होगा आपके पास में या टेन इनवर्स इजिकल टू क्या होगा आपके पास में यहां पर जीवाई होगा आपका और यहां पे क्या होगा दैट इज जी एक्स होगा आपका इजिकल टू क्या होगा आपका माइनस होगा इजिकल टू नहीं माइनस थ्री पाई अपॉन फोर दिस इज द फिक्सन फंक्शन फॉर द एंगल अब द एडवांटेज ऑफ द रोबर्ट ऑपरेटर डिटेक्शन ऑफ एज एंड ओरिएंटेशन आर वेरी इजी क्योंकि अपन इसमें क्या कर रहे हैं इवन मास्क अपन यूज करते हैं तो ये क्या होता है इसका ओरिएंटेशन तो इजी है और इसके अलावा क्या है डायनेगल डायरेक्शन पॉइंट्स आर प्रिजर्व अपने पास में क्या होंगे इसके डायनेगल के जो पॉइंट्स अपन बात कर रहे थे वो क्या हो रहे थे आपके पास में प्रिजर्व थे आपके पास में फॉर फर्दर यूजेस के लिए अब इसके कुछ डिसएडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि डिसएडवांटेजेस क्या हैं इट इज़ द इवन नंबर ऑफ मास्क इसके इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं मास्क के टू बाई टू का मास्क यूज करता है तो इजी क्या होता है वो इंप्लीमेंट होता है तो वेरी सेंसिटिव टू नॉइस नॉट वेरी एक्यूरेट इन एज डिटेक्शन दीज आर टू ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ रोबर्ट्स ऑपरेटर नाउ नेक्स्ट वन इज द सोबेल ऑपरेटर तो वट इज द सोबेल ऑपरेटर इट इज डिस्क्रीट डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर्स इट कंप्यूट द ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन इमेज इंटेंसिटी फंक्शन फॉर इच एज डिटेक्शन एट द फिक्सल ऑफ द इमेज द सोबेल ऑपरेटर प्रोड्यूस आईदर द नॉर्मल ऑफ ए वैक्टर और द द्रोसपोन्डिंग ग्रेडियंट वैक्टर इट यूज टू थ्री बाई थ्री कर्नल फॉर मास्क विच आर कन्वर्व विथ द इनपुट इमेज टू कैलकुलेट द वर्टिकल एंड होरिजेंटल डेरीवेटिव एप्रोक्सीमेसन दीज आर द फोइंग एम एक्स इजिकल टू अपनी ये क्या कर रहा है बेसिकली आपका सोबेल ऑपरेटर किस कैसा मास्क यूज़ करता है ये टू बाई टू का मास्क यूज करता है दीज आर द फॉलोइंग वैल्यूज द एम एक्स इजिकल टू क्या हो गया आपके पास में माइनस वन जीरो वन माइनस टू जीरो टू माइनस वन जीरो वन और एम वाई क्या होगा आपके पास में माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो 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 वन टू वन ये किस में आपके पास में सोबेल मार्क्स में आता है सम एडवांटेज ऑफ द सोबेल मार्क्स द सिंपल एंड द टाइम इफिशियंट होता है आपके पास में कंप्यूटेशन इसका क्या होता है आपका सिंपल होता है आपके पास में और टाइम इफिशियंट होता है वेरी ईजी एट सर्चिंग फॉर स्मूथ एजेस के लिए क्या होता है ये ईजी होता है आपके पास में अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये क्या नहीं करता है आपके पास जो डाइनेकल की वैल्यूज होती है आपकी उनको प्रिजर्व नहीं करता है आपका कौन सा सोबेल ऑपरेटर नाव वी आर डिस्कस ऑफ द प्रिवियट ऑपरेटर दिस ऑपरेटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सोबेल ऑपरेटर अब जहां पर सोबेल ऑपरेटर में अपने टू यूज किया है सी की वैल्यू जो टू यूज की थी यहाँ पे क्या होगा पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होगी आपकी वन होगी तो इट ऑल्सो डिटेक्ट वर्टिकल एंड होरिजेंटल एज ऑन एन इमेज तो अपने पास में जो भी पर्टिकुलर क्या कर रहा था आपके पास में जो आपकी डाइनेगल की वैल्यूज थी उनको कौन आपका स्टोर कर रहा था आपका आपका रोबर्ट कर रहा था उनको बट ये कौन कर रहे हैं आपके पास में जो आपका कौन सा है सोबेल है आपका प्रिविट है ये क्या कर रहे हैं बोथ आर वर्क ऑन द होरिजेंटल एंड वर्टिकल एजेस ऑन ए इमेज इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटेक्ट द ओरिएंटेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन इमेज इट यूज द कर्नल्स और मास्क एम एक्स इजिकल टू माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो वन और एम वाई क्या होगा आपके पास में माइनस वन माइनस वन माइनस वन जीरो 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 वन वन और वन अब ये क्या हो गया पर्टिकुलर ये मास्क ये मैट्रिक्स होते हैं किसकी ये आपके पास में डायरेक्टली आपके पास में ये आपकी डिफाइन है किसमें आपकी बुक में इनकी कोई इक्वेशन आपकी मैंसनड नहीं है आपके पास में और इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द प्रीविड द गुड परफॉर्मेंस ऑन डिटेक्टिंग आपकी परफॉर्मेंस होती है वो क्या करती है इजीली डिटेक्ट करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस को बेस्ट ऑपरेटर टू डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ एन एज आपकी एज की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कैसा है आपके पास में ये आपका बेस्ट ऑपरेटर है आपके पास में इनकेस वी आर डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रिवेंट ऑपरेटर तो डिसएडवांटेज द द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट इज फिक्स्ड एंड द कैन नॉट बी चेंज्ड और डाइनेगल डायरेक्शन पॉइंट्स आर नॉट प्रिजर्वड ऑलवेज यहां पे क्या हो रहा है अपने लोगों के पास में रोबर्ट में अपने डायनेगल में आपके प्रिजर्व हो रही थी वैल्यूज बट यहां पे क्या नहीं हो रही है आपकी डायनेगल की वैल्यूज आपकी प्रिजर्वड नहीं हो रही है किसमें आपके प्रिवेंट में और किसमें आपके सोबेल में तो दीज आर द्री टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दीज ऑल आर यूज इन ग्रेडियंट ऑपरेटर फंक्शन ओके थैंक यू